चलिए अब हमारे साथ जो मेहमान हैं इनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बीजेपी से आज सवाल, कल आम आदमी पार्टी से किया था, आज आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप लोग तो G20 में व्यस्त हैं, आप लोग तो 200 रुपए कम करके ये बता रहे हैं कि हमने देश को एक बड़ी सौगात दे दी है, और उधर मुंबई में दावा वादा यही किया जा रहा है कि इस बार कुछ भी हो मोदी सरकार यानी बीजेपी को कुर्सी पे नहीं बैठने देना है। गणेंद्र भाई कौन सी नई बात है, 2018 में भी यही लोग थे, बस नाम यूपीए था, अब नाम IN.DI.1 रख लिया है, पैकेजिंग नहीं है, माल तो वही है, पिछली बार के फोटो उठा करके देख, सब अलग अलग लड़े थे। बिल्कुल, अच्छा अलग अलग लड़े थे तो अब कौन सा साथ लड़ने वाले, अभी तो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आई है। आप ये कह रहे हैं लड़ाई होना तय है, अरे भाई साहब तभी तो सीट डिले करी जा रही है ना, जिस दिन सीट का बंटवारा हुआ वहीं तो झगड़ा शुरू हुआ, अभी तक तो मसला ही क्या आया। आशीष भाई बता रहे थे, आशीष भाई ये बता रहे थे कि देखिए जिसमें कुछ थोड़ा बहुत पहले, देखिए पहले क्या होता, जैसे मान लीजिए मेरी आपसे दोस्ती हुई, आज पहली मुलाकात है, दूसरी मुलाकात में मैं आपको कहूंगा चलिए आइए किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, कॉफी पीने के बाद फिर ये कहूंगा कि चलिए अब डिनर पर चलते हैं, डिनर पर चलने के बाद अब कहेंगे कि चलिए लॉन्ग टूर पर चलते हैं, धीरे धीरे इस तरह से मामला आगे बढ़ेगा ना। अब आप पहली मुलाकात में आप कहेंगे आइए सीने से लग जाइए, ऐसा कैसे होगा भाई, समझिए कोई साधारण मीटिंग नहीं है ये, राजनीतिक गठबंधनों का गठबंधन है, सबकी विजन अलग, विचारधारा अलग, नाम अलग, काम अलग, और तो और घोटाले भी अलग अलग हैं, तो आपको लगता है कि वो एक हो सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, आप इनके पूरे गठबंधन को देखिए, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है, ना इनके पास नियति है, एमलेस, कोई मकसद नहीं, विजन सिर्फ मोदी विरोध, हेडलेस पीएम का चेहरा नहीं, अरे जिसके पास 6 प्रधानमंत्री होंगे वो मुझे लगता है गांव का सरपंच नहीं बना उनके, पीएम की तो बात बहुत है, उनके पास नीति हो या ना हो इस बहस में नीति शर्मा हैं। नीति शर्मा ये बताइए, आप आ रहा हूं मैं आपके पास, जब्बाद साहब आपके पास आ रहा हूं, आप भी वायरल हैं, आप भी वायरल हैं, आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं पहले आप लोगों से बात हो जाए कि डर तो लगना चाहिए, और इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी कह रही कि 200 रुपया सिलेंडर कम भी जो कर रहे हैं दाम, वो सब हमारे I.. वाले इंडिया गठबंधन के डर से कर रहे हैं। देखिए विपक्ष के पास केवल एक ही नीति है कि इस देश को लूटा कैसे जाए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, करोड़पति अरबपति तो ये है ही, करोड़ों का घोटाला तो इन्होंने कर ही रखा है। एक ही बात बोलना चाहती हूँ मैं कि ये जितने झूठे हैं, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, सभी भ्रष्ट झगड़े भुलाए बैठे हैं, चौकीदार हटे तो लूट खाए सभी, ये सारे ही सारे मौका प्रस्त इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। आप तो शायरी बोल दी। बिल्कुल शायरी बोल दी है, और ये आप सोचिए कि अभी तो गठबंधन यानी कि ठगबंधन बना ही नहीं है, टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई बंगाल में चलने लगी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, दिल्ली में कांग्रेस कहती है कि हम 7 सीटों पे लड़ेंगे, पंजाब में कांग्रेस कहती है कि एंटी पंजाब पार्टी है, वहीं पे शरद पवार जी आ रहा हूँ, लेकिन संजीव जी जो आशीष जी इशारा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था, जो हम लोग भी बात कर रहे थे ऑफिस से जब मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं अपने सीनियर से जब बात कर रहा था, ये बात मेरे मन में भी चल रही है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी बहुत जोर से तैयारी कर रही है, मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, तीनों सरकारों को घेर रहे हैं, मतलब ये जनता को भी समझाइए ना कि कैसे एक टेबल पर बात होगी जब राज्यों में आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, कैसे। देखिए विभिन्न विभिन्न पार्टियां इकट्ठी होकर, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन देश में लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है, ये मुहिम है, और इसको बचाने के लिए मैं 2014 में लेके जाना चाहता हूँ, 2014 24 में चलिए ना, बहुत पीछे हो गया, 14 नहीं नहीं 10 साल का हिसाब मांगने का समय है, 800 किसानों की शादत पे हिसाब मांगा जाएगा 2024 में, देश की महंगाई का पे जवाब मांगा जाएगा, 5-5 लाख रुपए जो खाते में आने थे उस पे हिसाब मांगा जाएगा, 2 करोड़ हर साल जो रोजगार मिल रहा था उस पे हिसाब मांगा जाएगा, तो कुल मिला के देश की जनता को क्या चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा सेवाएं चाहिए, उस पे काम करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।